हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सूजी, उसी के साथ हम एक चम्मच घी डालेंगे इसमें। और घी डालने के बाद इसको हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे, जैसे हम मोइन लगाते हैं मट्ठी में वैसे ही इसको मसलेंगे। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमें। तो घी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी होगा और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो देखिए अच्छे से मैंने मसल कर इसको मिक्स कर लिया है और अब इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हम लेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, और यहाँ पर मैंने थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल दी इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। आटा हमें बिल्कुल ऐसा लगाना है, ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो फ्रेंड्स, जितना ये नाश्ता बनाने में आसान है उतना ही खाने में टेस्टी है, और आप इनको बनाकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं 20 से 25 दिन तक, ये ख़राब होने का भी डर नहीं है इनका। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए आटे को हमने गूंद लिया है, अब इसको हम दो भागों में बांट देंगे। तो देखिए दो लोई इसकी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो अब इसकी हम रोटी बेलकर तैयार करेंगे, और रोटी हमें ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, मोटी भी नहीं रखनी है ज़्यादा, तो मीडियम साइज़ की हम रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए रोटी हमारी बन चुकी है, और यहाँ पर मैंने दो चम्मच घी लिया है, और इसी में हम डालेंगे दो चम्मच अरारोट। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक घोल तैयार करेंगे इसका। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब हमें इसको रोटी पे लगाना है, तो पूरी रोटी पे हम अच्छे से इसको फैला देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको फैला दिया इसके ऊपर। और अब इस रोटी को हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है इसको बनाते वक्त। और ये देखिए इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इसको अब हम फिर से बेल लेंगे, और ये देखिए दोबारा से हमने इसको बेल लिया है, और फिर से इसको घी लगाएंगे हम, और फिर से वैसे ही हम फोल्ड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। इस प्रोसेस से हमारा नाश्ता जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इसको हम अब लंबा करके ऐसे बेल लेंगे, और ये देखिए इसको अच्छे से बेल लिया, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है हमें यहाँ पर। तो हम इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे चाकू से। ये देखिए बिल्कुल एक साइज़ की मैं काट रही हूँ, जैसे बिल्कुल वैसे ही आपको कट कर लेना है इसको। तो ये सारे पीसीज हमने काट कर रेडी कर लिए हैं, और ये देखिए लेयर भी बन चुकी है इसमें अंदर। तो इनको हम अलग रख देते हैं। तो दूसरी रोटी भी हम ऐसे ही बेल कर रेडी कर लेंगे, और दूसरी रोटी को भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे जैसे हमने पहली रोटी को बनाया था, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लेंगे इसको। और ये देखिए बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता। तो ये देखिए दूसरी रोटी को भी हमने बना लिया है, और अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे।
तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, तो ऑयल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो ये अंदर तक पक जाएं, कच्चे ना रहें और अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। तो इनको लो फ्लेम पर हम पकाते जाएंगे, ये 5 से 10 मिनट में पककर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुकी है इनको, तो इनको हम पलट देते हैं अब, और ऐसे ही उलटते पलटते इनको हम गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे। और ये देखिए लेयर भी इनकी आने लगी है, थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही पकाएं। और ये देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं हमारे, तो इनको निकाल लेते हैं, तो जो बचे हुए उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि ऑयल को थोड़ा ठंडा कर ले फिर इनको डालें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं ये। फ्रेंड्स आप भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल के बटन को ज़रूर दबा देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।